अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी हैरियत से हैं। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे सी फूड का बेस्ट स्टार्टर, और ये है क्रिस्पी प्रॉन्स वेजिटेबल एपेटाइज़र। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगने वाली है। उससे पहले, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपको बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले जो वेजिटेबल हमें चाहिए, मैंने लिया है प्याज और हरी मिर्च, और प्याज को मैंने स्लाइसेस में काट लिया है और चार मैंने साबुत हरी मिर्चें ले ली हैं। और वेजिटेबल जो आपको अच्छी लगती है आप वो ले रख सकते हैं। साथ ही प्रॉन्स अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिए थे, और ये मैंने लिए हैं 250 ग्राम। और अब हम कोटिंग के लिए हम बनाएंगे पेस्ट। एक कप मैंने ले लिया है मैदा। अब इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर हम ऐड करेंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, ये 1 टीस्पून हमने लिया है। 1/2 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब जो है ये सब को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक अंडा हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हम विस्क से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और सबसे पहले जो है हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमने इतना ऐड करना है कि इसकी अच्छी सी जो है वो पेस्ट बन जाए। बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा ये पतला भी ना हो। और ये देखें कि ज़बरदस्त सी कोटिंग के लिए हमारा मिक्सचर हो गया रेडी। और जो है प्रॉन्स हैं और साथ में ये कोटिंग के लिए जो हमने बनाया है, और साथ में हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर हमें कोटिंग के लिए। फ्लेम ऑन कर लूँगी और एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे और फ्राई करेंगे। सबसे पहले तो मैं वेजिटेबल जो हैं उनको 1 by 1 जो है हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले इसको मैं कॉर्नफ्लावर वाले पाउडर में हम ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम कॉर्नफ्लावर लगा लेंगे। फिर इसको हमने जो बनाया हुआ है पेस्ट, इसमें हम इसकी कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, और सारे जो अनियन हैं इनको अच्छी तरह से हमने डीप फ्राई कर लेना है। जब इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसको हम पेपर पर निकाल लेंगे। ऐसे ही जो हरी मिर्च हैं उनको भी हम पहले कॉर्नफ्लावर लगाएंगे, फिर उसके बाद हम जो है इस लिक्विड में इसकी कोटिंग करके, और ऐसे ही हरी मिर्चों को भी हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। आपको जो वेजिटेबल अच्छी लगती है आप वो रख सकते हैं। आप इन वेजिटेबल को सिंपल भी आप बना सकते हैं, स्टार्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप रोटी के साथ भी जो है वो सर्व कर सकते हैं। लास्ट में हमने प्रॉन्स को फ्राई करना है। इनको मैंने जो है कॉर्नफ्लावर की कोटिंग नहीं की, जो पेस्ट बनाया है उसमें अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करके, तो हम इसको 1 by 1 सारा ऐसे ही हम ऑयल में डालेंगे और इसको डीप फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे हमने इनको फ्राई नहीं करना, और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे करना है, और साथ ही इसकी साइड चेंज करते रहना है। तो जब आप इसको मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जूसी से ये बनेंगे। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसकी फुल डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। इसको आप सॉस चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, आप रोटी नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसकी मैं प्लेटिंग कर लूँगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।